अब तुम इस तरह गर्म पानी चुराओगे जरकोताए? मुझे गर्म पानी की जरूरत है। गर्म पानी क्यों चाहिए तुम्हें? सिपाही सवाल नहीं करते। जरकोताए, दरवेश यूनुस का कहना है हम फसल की तरह कट जाएंगे, हम कटते जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानेंगे जब हमारे शोहदा जमीन पर गिरते हैं तो हम और बढ़ जाते हैं। वो समझते हैं कि हम कम हो रहे हैं। मैंने तुमसे पूछा ये पानी कहाँ ले जा रहे हो? पीछे हट जाओ पागल लड़की, मैं नहीं बताऊंगा। दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? ये पानी किस लिए है? मैं नहीं बता सकता। जय कुताए, बताओ मुझे पानी क्यों चाहिए? वुजू के लिए। क्या वाकई? ये बताओ क्या सिपाही वुजू के लिए पानी उबालते हैं? जवाब दो जयगोताए। ये मेरे लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? तुम गाजियों के सरदार बामसी साहब का इस कदर ख्याल रखते हो? और तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हो? ऐ मुसलमान का दिल रखने वाले जवान मर्द, तुम कलिमाए शहादत पढ़ने में क्यों देर कर रहे हो? मैं जालिम हूं, मैंने जुल्म किया है, मैंने बहुत से लोगों को मारा है, मैंने औरतों को मारा है, बच्चों को मारा है, मैंने मैंने जुल्म किया है, मैंने बेगुनाहों पर जुल्म किया। मैं बहुत जालिम हूं, मुसलमान बनना बहुत मुश्किल है।
मैं नबी के आगे शर्मिंदा हूं। मैं उनके अल्लाह से डरता हूं। क्या अपने प्यारे से भी कोई खौफ खाता है? तुम सिर्फ तौबा करो। तौबा जहर को शहद बना देती है, कांटों को गुलाब बना देती है। किसी जालिम के लिए तौबा का दरवाजा कभी भी बंद नहीं होता। आने वालों के लिए हमारे पास एतमाद और वुजू करने वालों के लिए पानी भी मयस्सर है। मैं आऊंगा। खुशियों के साथ साथ दुख में भी तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहो। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुम इस्लाम और काई के लायक बच्चों की परवरिश करोगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह शेख, इंशाल्लाह। मेरे भाई, हमारा बोरान से भाई बहुत खुश लग रहा है। हाँ मेरे भाई, क्या हम भी ऐसे नहीं थे? बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल। तो अब्दुल रहमान गाजी, हम अब बूढ़े हो गए हैं। हम बूढ़े हो गए मेरे भाई। अल्लाह हमें इस तवील रास्ते के इख्तिताम पर शहादत नसीब फरमाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरे खाजी, इंशाल्लाह। आमीन। क्या बात है पागल लड़की, तुम अकेली क्यों खड़ी हो? और तुम सिपाहियों के साथ क्यों नहीं हो? गोकतोक बुरान के साथ है, बामसी साहब अब्दुल रहमान गाजी के साथ है, और मैं। और तुम? मैं अपनी तरह का कोई पागल ढूंढ रहा हूं। बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? ऐसी बातें ना करो।
मैंने आपसे कहा था ना हुजूर, एक जंगजू की मोहब्बत उसकी तलवार होती है। ये जंग सब जंगों से मुश्किल है जयकुताए, ये सबसे मुश्किल जंग है। तुम जिस कल्प से गुजर रही हो यह सिर्फ तुम जानती हो, मैं नहीं जान सकता। मुझे तो मां बाप के चेहरे भी याद नहीं। मां का क्या मतलब है, बाप किसे कहते हैं, मैं कभी नहीं जानता था। काश मैं कभी ना जानती ये सब। मेरी मां को उस नापाक गजल खातून ने मार डाला। मैं महीनों तक इस खेमे में उसके साथ रही और दूसरा शख्स जो इस खेमे में रहता था, यानी मेरे पापा, उन्हें भी मार डालेंगे उस्मान साहब, क्योंकि वो गद्दार हैं। तुम ठीक कहते थे जरकुताए, जो मुझ पे गुजर रही है वो मैं ही जानती हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें तसल्ली देने के लिए सब कुछ कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि तुम नाराज हो, हालांकि मैं नहीं जानता कि नाराजगी की वजह क्या है, लेकिन अगर तुम अपना दिल बहलाना चाहो बेहतर जानते हो मुझे चरकोताए। पापा की वजह से जो कुछ खो दिया उसके बारे में सोच रही हूं। पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो अपने कबीले के साथ कैसे गद्दारी कर सकते हैं। मोहब्बत में नहीं रो रही उनकी, शर्मिंदगी से रो रही हूं। कुछ लोगों को उनके वालिद के नाम से याद किया जाता है,
क्योंकि उनके अलावा उनका कोई नहीं होता, वो कुछ नहीं होते। मैंने उस्मान साहब को कहते सुना है, तुम क्लोजा हिसार की गाजी आयकुल खातून हो, तुम कई जंगजू खावतीन की बहादुर सरबरा हो, और तुम मेरे लिए दुंदार साहब की बेटी नहीं हो। कौन हूं मैं? तुम एक पागल लड़की हो। मैं भी ऐसा ही हूं। मेरे मां बाप को कोई नहीं जानता। लोग मुझे बचपन से ही लकड़बग्गों के साथ बड़ा होने वाला जरकुताए कहा करते थे, फिर डाकू जरकुताए, फिर कमांडर जरकुताए, और अब मैं काई कबीले का सिपाही हूं। मैं पहले भी जरकुताए था, बिल्कुल तुम्हारी तरह पागल लड़की। तुम हमेशा से आईकुल थी है, और तुम हमेशा रहोगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी अकलमंदी की बातें करोगे। तुमने मेरे दिल को सुकून पहुंचाया है। तो फिर मुझे अब चलना चाहिए, इससे पहले मैं इसे बर्बाद कर दूं। यह अच्छा होगा। और हां, वो नहीं रहने दो, नहीं रह सकता ये कहे बगैर के, अपना ख्याल रखना। हाँ।